नमस्कार। तो आइए आज मेनोपॉज के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। सबसे पहले मैं मेनोपॉज की एक डेफिनेशन दूंगी। अक्सर लोगों को वैसे तो ये पता ही है मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज का मतलब है जब पीरियड्स बंद हो जाए, यानी कि हम हिंदी में इसको रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं। तो जब पीरियड्स का बंद होना, इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक संरचना है परमात्मा की बनाई हुई कि हर लेडी को अगर पीरियड्स आते हैं तो वो बंद भी होंगे। तो उसकी आइए आज हम जानते हैं उसकी एज क्या होती है। आजकल हमारे भारतीय नारी के अंदर ये जो एज हो रही है वो 42 से लेकर 48 तक हो रही है। पहले की महिलाओं के अंदर ये चीज़ जो पाई जाती थी वो ज़्यादातर 50 के करीब मेनोपॉज होता था या 55 तक भी लेडीज़ मेनोपॉज होती थी। लेकिन हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है और बहुत सारी चीज़ें जो आजकल चेंज हो गई हैं उसकी वजह से जो है चीज़ें हमारी बदलाव आ रहा है। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो उसकी वजह से जो आज की जो रिसर्च बोलती है कि 42 ईयर्स से लेकर 50 साल तक जो है मेनोपॉज होने की संभावना होती है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो आइए अब हम जानते हैं कि मेनोपॉज में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। क्योंकि मेनोपॉज का मतलब है कि बिल्कुल पीरियड्स का बंद होना। तो मेनोपॉज से पहले जो सिम्टम्स आते हैं उसको हम प्री मेनोपॉज बोलते हैं। तो प्री मेनोपॉज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हॉट फ्लैशेस। अक्सर लेडीज़ के अंदर ये चीज़ होती है कि रात को सोते सोते पसीना आना, एसी चलने के बाद भी पसीना आना, और मूड स्विंग्स यानी कि कभी बहुत ज़्यादा घबराहट होनी, कभी कुछ अच्छा ना लगना, इस तरीके की सिचुएशंस होती है। और हमारी जो बर्स्ट है यानी कि प्रेस जो है वो बहुत स्टिफ होनी शुरू हो जाती है उसके अंदर, और इस तरीके की प्रॉब्लम्स प्री मेनोपॉज स्टेज के अंदर आती है। और साथ में आपका वेजिनल पार्ट होता है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, यानी कि ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि आपके अंदर हॉर्मोन्स का चेंज हो रहा है। हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो आगे मेनोपॉज की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर फंक्शन करते हैं, और जब ये लो हो जाते हैं तब जो है मेनोपॉज आता है। तो पहले जो प्री मेनोपॉज पीरियड है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जब चेंज होते हैं, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेनोपॉज हमेशा आता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हर लेडी में होगा ही होगा। तो ये एक प्राकृतिक हमारी भगवान ने जो संरचना कर रखी है तो वो तो होगी। तो इसीलिए हर लेडी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा कि 40 साल की जब वो हो रही है तो उसके बाद ये सिचुएशंस आएंगी या आएंगी। बिकॉज ऑलमोस्ट आज की जो हमारी लेडी है, आज हमारे भारत देश में जितनी भी लेडीज हैं ऑलमोस्ट 35-38 के करीब प्री मेनोपॉज स्टेजेस शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर हम बोलते हैं इरेगुलर पीरियड्स। तो अगर इरेगुलर पीरियड्स 40 इयर्स में या 38 इयर्स में हो रहे हैं तो इट्स नॉर्मल, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं, और जो एक्चुअल मेनोपॉज होता है वो 45 की एज में स्टार्ट होता है। मेनोपॉज को हम तब डिफाइन कर सकते हैं जब एक साल तक यानी कि 12 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो मेनोपॉज है। और अगर इररेगुलर हो रहे हैं, यानी कि कभी महीने में दो बार आ रहे हैं या फिर दो तीन महीने में आ रहे हैं, तो इट मीन्स वो इररेगुलर हो रहे हैं। तो उसके लिए कोई भी हार्मोन थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नेचुरल। तो अक्सर आजकल की लेडीज़ जो है वो बहुत इस चीज़ के लिए अवेयर भी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हार्मोनल थेरेपी लेते हैं जिसको हम HRT भी बोलते हैं, तो वो प्लीज़ ना लीजिए। बिकॉज आप डाइट और अपने अच्छे लाइफस्टाइल से उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी कि किस तरीके का डाइट और किस तरीके का लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि आप ज़्यादा टाइम तक
इस चीज़ से कम आप अपनी लाइफ को बचा सकें। बिकॉज मेनोपॉज के साथ साथ जब एक लेडी मेनोपॉज की तरफ आती है, जब हम बोलते हैं कि ईस्ट्रोजन लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हमेशा हमारे जब लो हो जाते हैं तब मेनोपॉज होता है, बिकॉज हमारी ओवरीज के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसीलिए वो जब ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ड्राइनेस आती है, स्वेटिंग्स आती हैं, बिकॉज हॉर्मोन्स हमारे क्या हैं, वो केमिकल्स हैं। तो ऑब्वियसली वो केमिकल्स जो हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है। तो दैट्स वाई ये सब चीज़ें और यही रीजंस रहते हैं जब हॉट फ्लैशेस होते हैं, स्लीपलेसनेस होती है। अक्सर हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो उसका आंसर आप सबको मिल गया होगा कि किस वजह से होता है। दूसरा, कभी भी जब ऐसा लगना शुरू हो कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही या बहुत थकान हो रही है या बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो रहा है या रात को भी हम अच्छे से नहीं सो पा रहे, कोशिश करने पर भी नहीं सो पा रहे, इट मीन्स वो हमारी 40 के बाद जो एज आती है उसमें ये सब कुछ होना स्टार्ट हो गया है और मे बी वो प्री मेनोपॉज पीरियड शुरू हो गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तभी हमें अपना ध्यान रख लेना चाहिए कि हमें इस चीज़ से हम कैसे बच सकें। और अगर बिकॉज ये चीज़ तो होनी ही होनी है, लेकिन उसके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उसको एक्सेप्ट भी कर पाते हैं और हम उस चीज़ से बड़ी जल्दी निकल भी जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मेनोपॉज के बाद वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, तो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है जब हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो मैं हार्मोन की बात कर रही हूँ, वो जो है लेवल बहुत लो हो जाता है और हमारा जो लेवल दूसरे हार्मोन जो बैड हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल है, इस तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, तो डाइट में ओमेगा 3 ज़रूर लें, चाहे वो नट्स के ज़रिए लें, चाहे आप ओमेगा 3 के फिश ऑयल कैप्सूल्स लें, कैसे भी ओमेगा 3 ज़रूर लें। और सही तरीके का तेल का और घी का चुनाव करें, देसी घी बिल्कुल बंद नहीं करें, देसी घी के 3 चम्मच बहुत ज़रूरी हैं और वो भी गाय के देसी घी के। तो बिकॉज हमारा जितना भी बॉडी के अंदर जितने भी रोल्स होते हैं या जो भी हम ऑर्गन्स बोलते हैं वो घी के बिना नहीं चलते, तो ये ज़रूर याद रखें इन चीज़ों को। और प्लस मैं एक बात करना चाहूँगी स्पेशली फ्लैक्स सीड्स की, फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे हैं, पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं, इवन गाजर के बीज, बहुत कम लोगों ने सुने होंगे, गाजर के बीज बहुत ही अच्छे होते हैं। बिकॉज जब मेनोपॉज होता है बहुत सारी बीमारियों का आगमन भी होता है, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है उन्हीं दिनों में, बिकॉज हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। और अक्सर जब मेनोपॉज होता है लोगों के घुटनों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इट मीन्स वो ऑस्टियोपोरोसिस भी शुरू हो गया। आप कैल्शियम का लेवल बिल्कुल सही रखें, आप विटामिन डी बहुत ज़रूरी है इन दिनों में आपके लिए, तो विटामिन डी आप धूप में ज़रूर बैठे थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 मिनट या 15 मिनट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। प्लस आपका कैल्शियम लेवल कभी भी लो नहीं जाना चाहिए, कैल्शियम का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप दूध लीजिए, दही लीजिए, कैल्शियम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, स्पिनच लीजिए, इस तरीके की चीज़ें लीजिए जिनसे कैल्शियम। एक मैं आपको हर्ब याद दिलाना चाहूँगी सबको, शायद बहुत लोग कम जानते हैं इसको, ब्लैक कोश। तो जो ब्लैक कोश है वो एक चाइनीज हर्ब है, इसके कैप्सूल्स भी मिल जाते हैं मार्केट में अगर आपको हर्ब नहीं मिले, और इसका पाउडर भी मिल जाता है। जिसको भी ये हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो रही है वो 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल डेली खाए, बीच में गैप देके, तो उसकी ये प्रॉब्लम बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। बिकॉज आपके उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स होती हैं अगर हम कैप्सूल्स में अगर लेते हैं। दूसरा मैं बात करूँगी स्पेशली शतावरी की। शतावरी एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसन है, आप वो भी ले सकते हैं। तीसरा हम बात करेंगे व्हीट ग्रास की। तो अगर डेली आप व्हीट ग्रास लेना शुरू कर दें, उसमें प्रोटीन भी पाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो अगर आप अपने डेली बेसिस पे ऐसी डाइट लेना शुरू कर दें, ओट्स लें
और कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि जितना टाइम आप एक्सरसाइज करते रहेंगे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज या योगा या मेडिटेशन, ये सब सारी चीज़ें अगर करते रहेंगे तो आपके ईस्ट्रोजन जो है कभी भी लो लेवल पर नहीं जाएंगे, ना ही वेजिनल ड्राइनेस होगी, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वहाँ तक पहुँचता रहेगा। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन पूरी अच्छी तरह से पहुँच रहा है तो काफ़ी टाइम तक आप उस चीज़ से ठीक रहेंगे, और अगर मेनोपॉज हो भी जाएगा बीच की स्टेजेस में तो आपको उस चीज़ से दिक्कत नहीं आएगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्लीप नहीं ले रहे प्रॉपरली या और भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं मेनोपॉज के बाद, तो वो चीज़ नहीं होगी। और ऑस्टियोपोरोसिस भी नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल भी अच्छा है और आप कभी मोटे भी नहीं होंगे। तो कम से कम इन चीज़ों को और इन टिप्स को याद रखिए, और आप कभी भी मेरे से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से डाइट के रिगार्डिंग, तो मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगी। थैंक्स अ लॉट।